उसको मैं आशीर्वाद दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, उसको मैं भी श्राप दूंगा और भूमंडल का सारी खोल तेरे द्वारा आशीष पाएगा। ध्यान दीजिए, अभी परमेश्वर को प्रभु परमेश्वर अब्राहम को इतना अच्छा आशीष दिया ताकि ये आशीष केवल अब्राहम के लिए, अब्राहम का सारी संतान के लिए, बोले किसके लिए, केवल अब्राहम के लिए या अब्राहम का सारी संतान के लिए? ध्यान दीजिए, अब्राहम का सारी संतान के लिए। तो अब्राहम का बेटा इसहाक, इसहाक का पहला बेटा एसाव, तो एसाव को भी आशीष होना चाहिए नहीं चाहिए? एसाव का भी संतान आशीष होना चाहिए नहीं चाहिए? आशीष एसाव का संतान का भी वो आशीष होना चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए। हम लोग किसका संतान है? अब्राहम की संतान है। तो लेकिन एसाव के बारे में देखते हैं, मिला तो पड़ेगा जो ओपनिंग, हिंदी में क्या बोलते ओपनिंग, योना का पहले, योना भविष्यद्वक्ता का पहले, हाँ वो उपपत्ति हो, हिंदी में क्या बोलते उपपत्ति हो, बंगला में क्या बोलते उपपत्ति हो, हिंदी में योना का पहले वाला ओप्ता, हिंदी में ओप्ता, बंगला में उपपत्ति हो, ठीक है ओप्ता। उसका 18 पढ़िएगा, तब याकूब का घराना आग, याकूब का घराना, याकूब कौन है एसाव का? थोड़ा एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहते हैं, इधर इधर आप बात करते हैं, इधर उधर देखते रहेगा, चिंता करेगा, आपके समझ में नहीं आएगा, बात मत कीजिए, लड़की क्या है बात मत, ठीक है नीचे जाने के लिए, उसके नीचे जाने के लिए वामी आ रहा था, उसके लेके जाइए, डिस्टर्ब मत कीजिए, लेकर जाइए। आज के स्टडी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। कितना लोग आशीष चाहते, अच्छे साथ नहीं आशीष चाहते, मेरा पीढ़ी मेरा बच्चों लोग मेरा संतान आशीष पाना है, कितना लोग चाहते आज कुनी लोग ले, मैं मेरा पीढ़ी मेरा बच्चों मेरा अगला पीढ़ी क्यों आशीष से वंचित होता है, उसका कारण आज आपको बताना चाहते हैं। हाँ पढ़िएगा ओबदिया, हाँ उसका एक ही अध्याय है उसका 18। हाँ तब याकूब का घराना आग, हाँ और यूसुफ का घराना लो, हाँ और एसाव का घराना खूंटी बनेगा, हाँ और वे उनमें आग लगाकर, हाँ उनको भस्म करेंगे। ध्यान दीजिए, याकूब का घराना, याकूब कौन है? एसाव का छोटा भाई, एसाव का छोटा भाई, इसहाक का दो बेटा, बड़ा वाला का नाम ध्यान दीजिए एसाव, छोटा बेटा का नाम क्या है याकूब। अभी आप और परमेश्वर बोल रहे हैं याकूब क्या बनेगा, आग बनेगा, यूसुफ क्या बनेगा, लोह बनेगा, मतलब अग्नि बन जाएगा। यूसुफ कौन है? याकूब का बेटा। और ऐसा क्या बनेगा, ऐसा क्या बनेगा, खुल्टी मतलब क्या है, घास, सूखा हुआ घास बनेगा। हाँ और वे उनमें आग लगाकर उसको भस्म करेंगे, भस्म करा देगा। हाँ और एसाव के घराने का कोई ना बचेगा। ध्यान दीजिए, एसाव का घर वाला लोग उनका पीढ़ी कोई भी नहीं बचेगा। हाँ क्योंकि यहोवा ही ने ऐसा कहा है, ये यहोवा ने कहा है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक परमेश्वर एक कुल के बारे में एक पीढ़ी के बारे में ऐसा क्यों बोलना है, एसाव का सपने में क्या करूंगा, खत्म कर दूंगा, और जिसका द्वारा करूंगा याकूब का द्वारा और उनका बेटा यूसुफ का द्वारा सब में क्या कर दूंगा, जला दूंगा। उसी अध्याय का 8 में भी आप देख सकते हैं, पढ़िएगा,
यहोवा की यह वाणी है, यहोवा का यह वाणी है, क्या मैं उस समय एदोम में से बुद्धिमानों को और एसाव के पास, एदोम में, एदोम माने कौन है, एदोम कौन है, एदोम एसाव का दूसरा नाम है, एदोम एक वंश है, वंशावली है, एसाव का वंशावली मिला तो वहां पर अफ्रीकी है, उत्पत्ति का 36 का 43 पढ़िएगा, उत्पत्ति नोट करते जाए, आज थोड़ा टाइम कम है, जल्दी जल्दी जाऊंगा, उत्पत्ति उसका 36 का 43, मत्तिए अधपति, ईराम अधपति, एदोमी जाति का मूल पुरुष एसाव है, एदोम का जाति का मूल पुरुष एसाव है, मतलब एदोम जाति है, एदोम जाति का मूल पुरुष कौन है, एसाव, एसाव का जो वंशावली है उसका नाम क्या है, एदोम, ध्यान रखिए थोड़ा सा, तब ध्यान रखेगा तब आपको समझ में आएगा, यहां पर प्रभु बता रहे हैं एदोम का, अभी ओपन आएंगे उसका एक का आठ में, वहां का हाँ यहोवा की यह वाणी है, हाँ क्या मैं उस समय हाँ एदोम में से बुद्धिमानों को, उसका जो जो बुद्धिमान है ज्ञानी लोग है, बुद्धिमानों को और एसाव के पहाड़ में से चतुराइयों को नष्ट ना करूंगा, नष्ट क्या मैं उसको नष्ट नहीं करूंगा, मतलब उनको मैं नष्ट करूंगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसी तरह बहुत कुछ वचन है, मलाकी में भी लिखा है, मिला तो वो वचन भी पढ़कर हम आगे बढ़ेंगे, मलाकी का किताब उसका पहला अध्याय 2-4 तक पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा, अपना अपना बाइबल है, बाइबल को भी कोई देखिएगा, मलाकी उसका पहला अध्याय 2-4, यहोवा यह कहता है मैंने तुमसे प्रेम किया है, यहोवा यूं कहता है मैंने तुमसे प्रेम किया है, परंतु तुम पूछते हो तूने किस बात में हमसे प्रेम किया है, क्या है यहोवा की यह वाणी है क्या एसाव याकूब का भाई ना था, क्या एसाव याकूब का भाई नहीं था, तो भी मैंने याकूब से प्रेम किया, मैं फिर भी क्या कर दिया, याकूब से प्रेम किया, परंतु एसाव से अप्रिय जानकर, एसाव को अप्रिय जानकर, अप्रिय मतलब क्या है, प्रिय नहीं, नहीं पसंद, जानकर जानकर उसको पहाड़ों को, उसके पहाड़ों को उजाड़ डाला, अब उनको क्या कर दिया, एसाव को पहाड़ों को उजाड़ डाल दिया, मतलब उजड़ा दिया, और उसकी पैतृक भूमि को जंगल के गिद्धों का स्थान बना दिया, एदोम कहता है हमारा देश उजड़ गया है, परंतु हम खंडरों को फिर बसाएंगे, सेनाओं को यहोवा यह कहता है, सेनाओं को यहोवा यह कहता है यदि वे बनाए भी, वो बनाएगा, परंतु मैं डा दूंगा, उसका क्या कर दूंगा, डा दूंगा मतलब तोड़ दूंगा, एसाव कितना भी शहर बनाएगा उसे मैं तोड़ने जाऊंगा, वो बनाएगा तोड़ेगा, मैं वो बनाएगा तोड़ेगा, ध्यान दीजिए, अभी सारी बाइबल में यह बात का लिख रहा है ताकि एसाव और एसाव का सारी खानदान को प्रभु क्या करता है, खत्म करता है, ध्यान दीजिए, ऐसा परमेश्वर एक सारी पीढ़ी को क्यों खत्म करना, ये बहुत ऐसा सवाल था ना, एक पीढ़ी को बर्बाद क्यों करना, एक कुल को बर्बाद क्यों करना, कई आप देख सकते हैं एक परिवार कितना भी कोशिश करता है वो खड़ा नहीं हो पाता, वो परिवार में बार बार हानि आता है, बीमारी आता है, दुर्बल आता है, दुष्टात्मा आता है, उनका बच्चा नष्ट होते जाता है, बच्चा होकर मर जाता है, क्यों, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है, कुछ पाप है, कुछ श्राप है, कुछ दुष्टात्मा लगा हुआ है, अब्राहम को प्रभु आशीष किया तेरा कुल का दौरा मैं सारी दुनिया को आशीष करूंगा, लेकिन उसका बेटा का बेटा, अब्राहम का बेटा का बेटा ऐसा हो है कि नहीं, अब्राहम का बेटा इसहाक, इसहाक का बेटा पहला बेटा ऐसा हो, उसको प्रभु क्यों नष्ट कर दिया, प्रेम है प्रभु हमारा जिंदगी का बहुत गौर दिखता, आप जो करते हैं आपके साथ कदम नहीं होता है, वो आपका पीढ़ी में चालू होता है, पिछला दिनों में देखा
कहा है। एक आदमी पाप करता है उनकी सारी पीढ़ी को ब्रह्मा नष्ट करता। आदम पाप किया, क्या पाप किया, मना किया, वो फल खाया, कितना किलो खाया, तो सारी मानव जाति को मौत आया। काइन, काइन पाप किया, क्या किया, अपना भाई को मार दिया। क्या हुआ, आज काइन का खानदान दुनिया में है नहीं, हम तो आपको स्टडी दिया है, क्यों जज प्रलय में काइन का सारी खानदान को खत्म करने से का खानदान। तो प्रभु बहुत अच्छा सा हिसाब किताब रखता है। प्रिय भाई प्रिय बहन, आप सोच ले, आपका परिवार, आपकी खानदान, आपका पीढ़ी सुख रहना है, आपके जिंदगी को सही कर दीजिए। जब आपका जिंदगी सही नहीं होगा, आपका पीढ़ी पर उसको भोगेगा, आपके बच्चों को भोगेगा। हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ कारण रहता है। आज ऐसा का पीढ़ी को प्रभु बर्बाद करने का कारण क्या, अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर, बार बार यही बोला जाता, लेकिन क्या आना था, अब्राहम इसहाक ऐसा का परमेश्वर ऐसा आना था, क्यों ऐसा पहला बेटा, लेकिन क्या हो गया ऐसा, उसका प्रभु इनकार कर दिया। कारण क्या है, कारण प्रभु कारण नहीं है, खुद ऐसा कारण है। पिछला दिनों में भी उनके जीवन में कुछ कारण बताया, उसको और समझाना चाहते हैं। खास तौर पर ऐसा के जीवन में पांच कारण था, ताकि ऐसा को उनके सारे खानदान को प्रभु क्या कर दिया, घृणित करके निकाल के फेंक दिया। पहला कारण पढ़ेंगे, मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं, इब्रानी का पत्रिका उसका 12:16, इब्रानी का पत्रिका उसका 12:16। ऐसा ना हो कि कोई जड़ व्यभिचारी ऐसा के समान अधर्मी हो, ऐसा भी ना हो कोई ऐसा के समान, कोई व्यभिचारी या ऐसा के समान अधर्मी हो, अधर्मी हो, कैसा अधर्मी हुआ, जिसने एक बार के भोजन के बदले, ध्यान दीजिए, एक बार का भोजन के लिए, संसार की बात के लिए अपने पैलौटे होने का पद बेच डाला, अपना पैलौटे होने का पद को बेच दिया। ध्यान से सुनेगा, बहुत लोग ऐसा करते हैं। पिछले दिनों में एक इंजीनियर, लेकिन वो 15-16 साल में ही क्या कर दिया, उधार पड़ लिया, प्रभु को पढ़ाई का आशीष किया, प्रभु का ग्रहण किया, पवित्र आत्मा अभिषेक पाया, बहुत मिनिस्ट्री करता था, अभी उनको पढ़ाई भी बहुत अच्छा हो गया, इंजीनियर बन गया, नौकरी के लिए ढूंढ रहा था, उधर इधर अपने दिया, लेकिन वो क्या है, एक लो कास्ट वाला था, वो एससी था, वो एससी लड़का होने के कारण गवर्नमेंट से उनको जॉब का ऑप्शन मिला, ताकि उसी में उसके लिखना पड़ेगा मैं हिंदू हूं और सोन सब कास्ट हूं, तब वो जॉब उनको। तो पास्टर उनको बोला जाप के लिए आप यीशु को इनकार मत करें, जाप के लिए यीशु को आप वहां पर एक मसीह बन रहे, तो आप लिख रहा कन्वर्ट क्रिश्चियन, नौकरी दे या ना दे, मैं यीशु का इनकार नहीं करना चाहते, यीशु का दिया हुआ उद्धार को भेजना चाहते नहीं चाहते, यीशु दिया हुआ उद्धार को बेच के मुझे नौकरी करके कोई फायदा नहीं। बार बार हम लोग अपने जीवन में ऐसा कर लेते, यीशु को पहला स्थान रखिए, यीशु अपनी जिंदगी को सब कुछ कर देगा, यीशु का केवल अपने जीवन को पहला स्थान रखिए, और कोई चीज के बारे में आप चिंता करने का जरूरत नहीं है। लेकिन पास्टर का बात नहीं माना,
क्यों है, उनका कैसा भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए, वो भी इंजीनियर पोस्ट, लेकिन अफसोस की बात है ये, उनका शरीर ऐसा चौपट हो गया वो काम भी नहीं कर सकता, ना भी प्रभु में है ना भी काम में। आपका विश्वास जिंदगी सब कुछ मेरा यीशु का मुट्ठी पर है, कितना विश्वास करते हैं। आज आप अपने जिंदगी में यीशु को मान लेंगे, आपको प्रभु कितना ऊंचा स्थान में लेकर जाएगा। ये साल क्या कर दिया, फिर तो जानता है अब्राहम उनका आशीष, इसहाक उनका आशीष, उसके बाद किसको आना था, ऐसा आना था, लेकिन याकूब क्या कर दिया, हमेशा यही चिंता था अब्राहम का आशीष मुझे चाहिए, इसहाक का आशीष मुझे चाहिए, लेकिन अफसोस की बात यही है, वो आशीष किसके जीवन में आना था, गिला ये सब का आना था, लेकिन याकूब हमेशा कौन चीज है, कुछ भी खो देंगे लेकिन वो आशीष को पाना है मुझे। आमीन, हालेलुया। उनका मौका था, लेकिन ये सब को वो चिंता नहीं है। आज प्रिय भाई में है आपको प्रभु मुक्ति में दिया हुआ उद्धार, आपको फ्री में मिला है, आनंद काल के जीवन फ्री में मिला है, पवित्र आत्मा के अभिषेक आप फ्री में मिला, कोई पैसा दिया या आप खुद काबिल था, हम कोई काबिल नहीं था, प्रभु हमारा काबिल को देखकर, हमारा पवित्र भाई को देखकर, हमारा प्रार्थना को देखकर हमें आशीष करेंगे, हमें उदार देंगे, हमें अभिषेक देंगे, ये दुनिया में एक भी पा नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर का बहुत बड़ा दया है, अनुग्रह है, यीशु आपको भी मुझे भी अपना नबी से दुख है, अपना बेटा का रूप में, बेटी का रूप में वो स्वीकार कर लिया। आज हम सबको पैलौटा का अनुभव मिलता है, हम सबको रोमे का पत्र उसका अंत में पढ़ते समय वहां पर बहुत अच्छा लिखा है, रोमे का पत्र उसका अंत में, हम सब परमेश्वर का संतान है, पवित्र आत्मा कहता है हाँ हम संतान है। जब प्रभु यीशु मसीह चूली में मरने से पहले वो परमेश्वर का एक बेटा पुत्र था, जब प्रभु यीशु मसीह चूली में मर के जी उठा, तब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का एक बेटा पुत्र नहीं था, वो परमेश्वर का पहला पुत्र बन गया, क्योंकि यीशु मसीह के साथ हम भी परमेश्वर का बेटा और बेटियां बन गया। जब योहन्ना 3:16 में लिखते समय लिखा परमेश्वर अपने एक बेटा पुत्र को, अभी यीशु एक बेटा पुत्र नहीं है, क्यों, हम भी परमेश्वर का बेटा है बेटी है, हाँ हो सकता है प्रभु यीशु मसीह वो एक बेटा पुत्र नहीं, अभी पैलौटा है, हमें पढ़ेगा 16 से, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि जो तुम अब दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालक की आत्मा मिली है। अभी हम लोग को ले पालक की आत्मा मिली है, ले पालक आत्मा माने की आत्मा माने क्या है, परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमें गोद ले लिया, किन तरह से समझ मारा है, हालेलुया हालेलुया। गोद ले लिया मतलब क्या है, हम उनके वारिस बन जाते हैं, उनका जो कुछ है सबका मैं भी हकदार बन जाते हैं, ध्यान दीजिए, जिससे हम हे अब्बा हे पिता करकर पुकार, हम परमेश्वर को हे अब्बा हे पिता करकर पुकार सकते हैं, मैं परमेश्वर को हे अब्बा हे पिता करके मैं पुकार सकता हूँ। हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं, और यदि संतान हैं तो वारिस भी, ध्यान दीजिए, अब किसके संतान है, परमेश्वर का संतान, डॉट नहीं है, डॉट है नहीं है, अब परमेश्वर संतान है तो क्या है, वारिस,
सरदार है तो क्या है, वारिस है। अभी हमारा आनंद बेटर को कितना बेटा बेटी है, तीन बेटा बेटी। अभी उनका जो भी जमीन है, घर है, तीनों का हकदार है। सही की बोल, तीनों का गया हम कभी वो बोलो बरांडा मेरा है, दूसरा बोलेगा नहीं किचन मेरा है, तीसरा बोले बेडरूम मेरा है। तीनों को बराबर देना पड़ेगा। किसी को बोले नहीं तुम कहने देंगे इनके देंगे, बोल नहीं सकता। हालेलुया, क्यों है वो संदान है, बारिश भी है। कितना लोग समझ में रहा है, ताली बजाते मैं परमेश्वर का संदान बन गया तो मैं बारिश भी है, मैं परमेश्वर का बारिश। जो कुछ मेरा परमेश्वर का है मेरा भी हक है। कितना लोग मेरे बाप में सहमत है, हालेलुया। अपने का यदि संतान है, यदि मेरा संतान है तो बारिश भी है, परमेश्वर का बारिश और मसीह का संगी बारिश। मसीह का संगी बारिश माने क्या है, मसीह यीशु मसीह को जितना मिलेगा उतना मुझे भी मिलेगा। कितना लोग मेरे बात पर विश्वास करते हैं, समझ मारा नहीं आ रहा। हालेलुया, हालेलुया। अभी यीशु मसीह कहां पर है, स्वर्ग में कहां तक बैठा, जब से बोले कहां बैठा, पिता की सिंहासन में। तो यीशु मसीह पिता के सिंहासन में बैठेगा तो हम भी बैठेंगे, नहीं बैठेंगे कितना लोग बोलते हम भी बैठेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हाँ प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उसमें प्रकाशित वाक्य 3:21 पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 3:21 यहाँ पर भी क्लियर रखिएगा। जो जय पाए, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाके अपने पिता की सिंहासन बैठ गया। जो जय पाक कराएगा वो मेरे साथ मेरे सिंहासन में बैठेगी, बिठाऊंगा जैसा मैं जय पाक के पिता के सिंहासन में बैठा। ये सब भी कहां बैठा, पिता के सिंहासन में। हम भी कहां बैठेंगे, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वहां पर एक बेड है, उसका अंडरलाइन कीजिए, जो जय पाए सब में। कितना समझ में आ रहा है, ऐसा जन्म ले लिया बोलकर बारिश नहीं बनेगा। जय पाना आखिर दम तक दार पीकर निबचा करके उड़ाना वालों को प्रॉपर्टी लिखकर रखेगा, सिंहासन देगा। ध्यान दीजिए, आज इस हाथ को आखिर दम तक बचा कर रखना, वापस आएंगे रोमे घाट में हम बारिश से। यदि संतान है तो बारिश थी, हाँ हाँ, मसीह का संगी वारिस मतलब प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग में जो मिलेगा वो मुझे भी मिलेगा। कितना लोग विश्वास करते, थाली बजा के जिंदा परमेश्वर को। उसके अगला वचन, अगला वचन सुन के उसके बाद अच्छा से थाली बजाएंगे। हाँ, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएंगे, यीशु के साथ दुख उठाएंगे और था उनके साथ महिमा पाएंगे। भाई ऐसा सिंहासन नहीं मिलेगा, ऐसा सिंहासन नहीं मिलेगा। क्या करना, यीशु के साथ दुख उठाना, यीशु के साथ मार खाना, यीशु के साथ निंदा अवमान दुख सहना, यीशु के साथ रक्त बहाने के लिए तैयार होना, रक्त गवाही बनने के लिए भी, चूड़ी पर बनने के लिए भी, अपना जिंदगी को समर्पण करना, यीशु के साथ दुख उठाएंगे उसके साथ महिमा पाएंगे। आमीन। जो जय पाए उसके सिंहासन में बिठाऊंगा। दान दीजिए अपने भाई अपने बहन, सत्य सिंहासन में प्रभु में बिठाना चाहते हैं। जो सिंहासन पर शैतान बैठना चाहता था उस सिंहासन पर प्रभु आपको हमको बिठाना चाहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए शैतान किसी भी कीमत पर उधर आपको बिठाना नहीं चाहिए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा,
जो सिंहासन पर बैठना शैतान चाहता था वहां पर परमेश्वर उसको लात मार के गिरा दिया नीचे। उस सिंहासन पर आप और हम को प्रभु बिठाना चाहता, लेकिन शैतान नहीं चाहता ताकि जो जगह पर मैं बैठ कर पाया वहां कहीं इंसान ना बैठे। इसे क्या करे शैतान? डरेगा नहीं? डरेगा? डरेगा नहीं? डरेगा? आपके सामने हिलाएगा, क्या कर दे? तुम्हारा पायलट को मुझे बेच दे, तुम्हारा सिंहासन बैठने का हक मुझे बेच दे, बेटा बेटी बनने का हक मुझे बेच दे। आज कितना विश्वासी शैतान के हाथ में परमेश्वर का उद्धार को बेच दिया। प्रेज द लॉर्ड। एक बेला खाना के लिए ये सब क्या कर दिया? पढ़ेगा इब्रानी का उसका 12:16-17 पढ़ेगा जल्दी। जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पाया, नहीं सोलह, ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो जिसके जिसने एक बार के भोजन के बदले एक बार का भोजन का बदला में अपने पैलौटे होने का पद, अपना पैलौटे होने का बहुत बड़ा आशीष था, परमेश्वर का आशीष था, परमेश्वर अब्राहम के द्वारा दिया हुआ आशीष था, भेज दिया। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पाना चाहता था तो अयोग्य गिना गया, और आंसू बहाया, खोजने पर उसको नहीं मिला, मन फिराव का अवसर ना मिला, उसका मन फिराव का अवसर नहीं मिला। प्रिय भाई प्रिय बहन, आप यदि वचन को जानकर जान पूछ कर पाप कर दिया तो यह मत सोचिए एक दिन ऐसा ही हम माफी मांग के स्वर्ग में सिंहासन में जाकर बैठ जाएंगे। बाद में तू रोएगा, मन फिरेगा, अवसर नहीं मिलेगा। जब तुम प्रभु का वचन को जानकर जान पूछ कर गलती करते तो अपना हक को शैतान को भेज रहे हैं। शैतान हिलाएगा आपके सामने, दारू बाटल को हिलाएगा, अरे दारू को ना पीने मजा आएगा, हिलाता नहीं हिलाता। हालेलुया। कुछ लोग कुट्टी खैनी तंबाकू को हिलाकर गिराता था। भाई तंबाकू बड़ा चीज है, महिमा का सिंहासन बड़ा चीज है। बोलिए बोलिए, तंबाकू बड़ा चीज है, स्वर्गीय सिंहासन बड़ा चीज है। भाई एक बेला तो दारू के लिए, एक बेला तंबाकू के लिए स्वर्गीय सिंहासन को बेच डालता रहा। कितना दुखी की बात है। कोई लड़का के लिए, कोई लड़की के लिए आनंद काल की महिमा को बेच डाल रहा है। कोई ऋतिक रोशन का पिक्चर के लिए, कोई सीरियल के लिए आनंद काल की महिमा को बेच डाल रहा है। हो रहा नहीं हो रहा? आज हम ये सब बोलते हैं बेचारा कैसा आदमी है, एक बेला खाना के लिए भेजा। भाई तुम भी ऐसा ही करते है, थोड़ा सा मनोरंजन के लिए, थोड़ा सा फैशन के लिए, थोड़ा सा संसार की बातों के लिए, थोड़ा सा संसार की पैसा के लिए तो अपना महिमा को खोल दिया है, तो व्यक्ति डाल रहा है, बेच रहा है नहीं बेच रहा है। पढ़ेगा उत्पत्ति उसका 25:29 से लेकर, जिसका जल्दी बोला जल्दी पढ़ेगा 25:29 से लेकर। परीक्षा लिया, जब वो जानता है 40 दिन उपवास करके बहुत भूखे में, तब वो गोल गोल पत्थर लेकर आके दिखा दिया, इसको रोटी बना के खा ले। वरदान को अपना फायदा के इस्तेमाल नहीं करना। शैतान को जानता है किस समय पर किस चीज को आपके सामने हिलाना है। आमीन। जब याकूब दाल पका रहा था और एसाव जंगल से थका हुआ आया, तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से कुछ मुझे खिला। मसूर दाल पका रहा था, उसी लाल वस्तु में से, दाल में से मुझे भी कुछ खिला। मैं थका हुआ, इसी
इसी कारण हाँ, उसका नाम एदोम भी पड़ा। इसी कारण से उसका नाम क्या कर दिया? एदोम भी नाम रखा गया। हाँ। याकूब ने कहा हाँ, अपने पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। याकूब का हमेशा क्या चिंता था? महिमा का चिंता था, प्रेज द लॉर्ड, स्वर्गीय चिंता था, स्वर्गीय आशीष था। क्यों? उसका ध्यान था अब्राहम इसहाक का आशीष, ऊपर वाला दिया हुआ आशीष है। उसके कैसा भी मैं पढ़ा है, वो बोला आज तो पहले देगा उसके हक को मुझे क्या कर दो। हाँ, एसाव ने कहा हाँ, देख मैं तो अभी मरने पर हूँ हाँ, इससे बैलोटे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा? क्या लाभ होगा? हाँ। याकूब ने कहा हाँ, मुझसे अभी शपथ खा हाँ, अतः उसने उससे शपथ खाई। यस, याकूब इतना से कहा क्या करो, उस दिन तो बात पेपर में लिखा पड़ी तो नहीं है ना, परमेश्वर के सामने क्या करो, शपथ खा। अतः उसने उससे शपथ खाई हाँ, और अपनी पहलौठे की अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला, दे दिया। इस पर हाँ, याकूब ने एसाव को रोटी हाँ, और पकाई हुई मसूर की दाल दी हाँ, और उसने खाया पिया और उठकर चला गया खा पी के। यूं एसाव ने अपने पहलौठे का अधिकार तुच्छ जाना। प्रिय भाई प्रिय बहन, हम आज उसको दोषी डालते नहीं डालते, प्रभु जला दिया, ऐसा का सारी खानदान को प्रभु मिटा दिया। आज हम ऐसा ऊपर दोष लगाते नहीं लगाते, आज हम लोग भी ऐसा करते ना कभी नहीं, ये नहीं करना जानकर भी हम करते करते। हालेलुया, हम दे देते, रविवार नाका करके घर में बैठ जाते। क्यों? अरे एक बेला चर्च नहीं गया तो क्या हुआ भाई? एक रविवार तुम घर में बैठ जाता है, प्रभु का आराधना नहीं करने के लिए तुम नहीं आता है तो कौन खुशी होता है? प्रभु खुशी होता है या शैतान खुशी होता? जो समझे कौन खुशी होता? भगवान हाथ तिरा कर बोलिए कौन खुशी? तो शैतान को खुशी दिला के मुझे सिंहासन में बैठना है, बैठ सकता? जो जान पूछ कर बैठ रहा है रविवार आराधना नाका नहीं करना, जो अभी मरा है रण देवी, एक शनिवार नहीं नाका होता है, एक रविवार नाका होता है। शनिवार उपवास प्रार्थना भी नाका नहीं होता, हमेशा वहां पर पीछे उनका स्थान है, हमेशा देखते उधर बैठता। किताबी हाथी तूफान, किताबी धूप चले, किताबी पानी गिरे, आकर टाइम पर बैठ जाता है। शरीर में कोई ताकत नहीं, डॉक्टर तो कई महीना के साल पहले उन्होंने जवाब दे दिया था, पूरा ट्रीटमेंट चढ़ दिया, मुझे चढ़ दिए प्रभु संभालेगा। सही है रंजीत, कभी रागा होता उनका बेटा लग काम में चले जाता, बेटी को लेकर आकर बैठ जाता। क्यों? उनका अंदर ईश्वरीय प्रेम था। आज कितने लोग घर में बेकार बैठा हुआ, खाना पका के, दाल पका के, रोटी पका के, चिकना चिकना खाकर तो घर में बैठा हुआ, उपवास प्रार्थना में बगल में रहता तो आ नहीं सकता। उपवास प्रार्थना में कल साल का आखिरी उपवास प्रार्थना था, कितना लगाया, कितना कैंसल लीडर लगाया, हालेलुया हालेलुया। कैंसर लीडर के अंदर वो बोझ नहीं है, मुझे एक उपवास प्रार्थना में जाकर प्रभु से भिन्नती करना, तो वो कैंसर का हालत कैसा होगा? साथ आखिरी उपवास प्रार्थना, एक बेला उपवास करके तू प्रार्थना कर नहीं सकता है, लेकिन सिंहासन चाहिए। सिंहासन बोला तो बाप रे, गोद वाला बच्चा भी हाथ पर कर रहा है। सबका सिंहासन कुर्सी चाहिए, आज के पॉलिटिकल लेंड से लेकर विश्वास तक सबको सबको सिंहासन चाहिए। बेचारा यीशु के तरह थोड़ा दुख उठाए जय पाए, शैतान हिलाएगा, अरे उधर इतना दूर क्यों जाना है, घर में बैठ ले,
पर मना करता है। एक दिन नृत्य करता, एक बड़ा प्रार्थना करा के भाई जय पड़ा, अपने शरीर को निचोड़ना, अपने शरीर को प्रभु के वेदी पर रखना। आज तुम दुख नहीं उठाएंगे, महिमा कैसे मिलेगा? आज शरीर नहीं उठाएंगे, मुकुट कहां से मिलेगा? धोखा हो जाएगा, धोखा हो जाएगा आपको। प्रेसिडेंट बात बाप सोचेगा, ये साल रो रो के मांगा, रो रो के मांगा, रो रो के मांगा, नहीं मिला। रोया था, बाइबल में लिखा वो रोया था, इब्रानियों में लिखा 12:17 में रोया था। हालेलुया। उल्पत उसका 27:34 में भी लिखा है रोया, 27:34 में उल्पत रोया, रो रो के मांगा, नहीं मिला। अपने पिता की यह बात सुनते ही एसाव ने अत्यंत ऊंचे और दुख भरे स्वर से चिल्लाया, अत्यंत ऊंचे और दुख भरे स्वर से चिल्लाकर रोया। प्रिय भाई प्रिय बहन, एक दिन आएगा तू रोएगा, प्रभु नहीं सुनेगा। ध्यान दीजिए, संसार का इंपॉर्टेंट मत दो, दुनिया का इंपॉर्टेंट मत दो, दुनिया का चीजों का इंपॉर्टेंट मत दो, दुनिया के लोगों को इंपॉर्टेंट मत दो, अपना जीवन में यीशु को इंपॉर्टेंट दो। मेरा यीशु मसीह जीवन का साथ भी, जीवन का बात भी। हालेलुया। एक इंश्योरेंस है एलआईसी, झूठ मूठ का बोलता है, जीवन का साथ भी, जीवन का जीवन का साथ भी, जीवन का बात भी, केवल यीशु आएगा, कोई एलआईसी नहीं आएगा, केवल यीशु, केवल यीशु। हालेलुया। आज ये छोटे से संसार की दाल भात के लिए आप क्या क्या बिक्री कर देते? अनंत काल की महिमा पहला करो तो 2:9 में लिखा गया, आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, मनुष्य का चित्त में भी नहीं आया, वही परमेश्वर अपना प्रेम रखने वालों के लिए तैयारी किया। एक बहुत बड़ा महिमा जो आप कल्पना भी नहीं कर सकता, उसी तरह के एक महिमा को प्रभु आपके लिए और मेरे लिए स्वर्ग में तैयारी कर रहा। कितना विश्वास करते, क्या संसार की बात के लिए पहले हले लिया? कितना लोग कोई ना कोई पाप में शैतान गिराकर पिट रहे थे, किसी को कोई लड़का को ला दिया उसके पीछे घूमते रहता, किसी को कोई लड़की को ला दिया उसके पीछे, किसी को दुनिया का मनोरंजन दिला दिया। एक सिस्टर बोल रहा है हमको पिक्चर बिना देख के रह नहीं सकता पास्टर, बेचारा जा अभी मरने के बाद शैतान तुमको नरक में पिक्चर दिखाएगा। हालेलुया। शैतान पिक्चर दिखाएगा नहीं दिखाएगा? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान दीजिए, आजकल का पिक्चर देखने का लायक है, कितना कपड़ा छोटा होगा उतना उसका रेट भी ज्यादा होता। स्टारों का रेट कैसे जाता होता है? जब कपड़ा कम होगा तब रेट ज्यादा होता। बेचारा वो पैसा के लिए नाच रहा है, लेकिन निकल के जाते समय बहुत अच्छा ओढ़ के पहन के जाता, उसका देखकर हमारा विश्वास ही नहीं, ऐसा पहन के घूमता। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे जिंदगी का सही कर दे, जो सीरियल गिरियल कितना गंदे रिश्ता, किसी तरह बहू को हम पूरा और पैर में रुलवाएंगे, कैसा कैसा अपना सास को धोखा देंगे, पति को धोखा देंगे, यही है ना सीरियल था। हर प्रकार की मर्डर, हर प्रकार की सब कुछ बुराई आपके दिमाग में घुसता, घुसता नहीं घुसता, सिनेमा में क्या करता सिस्टम, सब कुछ आपको फीड करवाता दिमाग में। बिक्री मत कर, अपने आत्मा का बिक्री मत कर, अपने अनंत का की जीवन का बिक्री मत कर। प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग के सामने शैतान संसार की फैशन को लाता था, डेंडिंग बेंडिंग करके घूम, दूसरे को गिराओ, दूसरे को गिराओ, मारन मारन ड्रेस पहन के दूर। वो पहन रहा दुनिया की लड़की लोग पहनता है कहते तुम मत पहन, दुनिया का लड़का लोग रंग रंग मारता है कहते तुम रंग मत मार,
कभी एक दिन देखता है सादा, दूसरा दिन देखता है लाल, तीसरा दिन पीला नीला। एक दिन ठंडी करते में जा रहा है बाल में, उसके बाद देखा इधर पूरा कटिंग कर दिया, इधर पूरा पता नहीं क्या करना। कोई लड़की के लोग सामने पूरा कटिंग करके जला दिया। एक हफ्ता पहले फोटो, एक कोई एक आके मेरे को फोटो दिखाया, मेरा मेरे को फोटो दिखाया, मैं बहुत सच में बहुत दुख हो गया। तकरीबन 12 साल पहले बत्तीसवां लिया हुआ पुराना विश्वासी, अन्य भाषा बोल के सारी कलिशा को हिलाने वाला एक विश्वासी, वो एक शादी में अटेंड करने के लिए गया, उनको फोटो। इतना लंबा बाप रे, इतना मोटा मोटा, एक हाथ में एक हाथ में, यहां पूरा झिकना झिकना, पूरा लाल, पूरा लिपस्टिक लगा। उसके बाद और एक पुराना विश्वासी, वो भी 12-13 साल पहले बत्तीसवां लिया हुआ बेचारा, उसका पोता पोते को 15-20 साल हो गया, वो भी पूरा लाल दिल लगा के। आज चर्च में आया नहीं आया पता नहीं, इधर आता है बिल्कुल सब बोल के, बेचारा किसको धोखा दे रहा है भाई, किसको धोखा दे रहा है? पास्टर को धोखा दे रहा है, कलीसिया को धोखा दे रहा है, या यीशु को धोखा दे रहा है, या खुद तुम अपने को धोखा दे रहा है? धोखा हो रहा नहीं हो रहा, किसको धोखा दे रहे तुम? तू जाके प्रभु का धुनी मंगल सिंहासन में बैठ जाएगा, बैठेगा बैठेगा बैठेगा, क्या है अच्छा नहीं लगता है, माफ कीजिएगा, लेकिन आप आनंद काल के जीवन मिलेगा। हालेलुया हालेलुया। किस तरह का देखते हैं चर्च में, पर पास्टर से क्यों डरता है? पास्टर तुम्हारा गला काट लेगा। प्रभु यीशु बोला मुनि से डर, तुम्हारा आत्मा और शरीर को नरक में बेचकर वहां पर तुम्हें जलाने वाला से डर। तो किसको बेच डाल रहा है? कुछ जवान लड़की लगा रहा है, इधर आते समय पूरा होड़ के घूमता है, जब बाहर निकलता है ओढ़ नहीं बोल्ड करके अंदर दुखा देता है, क्यों? रास्ता पर दिखा गए जाएंगे, जाओ। भाई ओढ़नी आपके इतना भारी हो गया, बोले ओढ़नी भारी हो गया, तो चर्च से निकलता है ओढ़नी को होल्ड करके और अपना बैग में दुखा कर दिखा कर जाता है। कौन सा मसीह बना तू? किसी तरह की मसीह बना तू? तू नहीं समझ रहा है, तुम्हारा आत्मा को शैतान को बेच रहा है, आनंद काल की महिमा को तू शैतान को बेच रहा है। तो किसको खुशी दिलाने के लिए तू ओढ़नी खोल कर चल रहा है? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। भाई मेरा प्रचार थोड़ा ऑपरेशन की तरह है, डॉक्टर हमारा बीच में बैठा हुआ है। सही है ना डॉक्टर साहब? जहां ऑपरेशन करेंगे तो शरीर दर्द होता है, खून निकलता है, बहुत खून वेस्ट होता है, सिलाई करना पड़ता है, पट्टियां लगाना पड़ता है, लेकिन तुम्हारा जान बच जाएगा। यदि मेरा बात सुन के ऑपरेशन सक्सेस हो जाएगा, तुम्हारा आत्मा बच जाएगा। सही बोलो पास्टर जी। फैसला तुम्हारा बात मान ले, तुम्हारा जिंदगी सुधार ले, तुम्हारा डेंटिक पंडित सुधार ले। आज जीना है चर्च का अंदर में भी प्रभु के सामने, चर्च का बाहर में भी प्रभु के सामने। क्या मेरा यीशु केवल चर्च में? क्या रास्ता में नहीं है? क्या रास्ता में प्रभु आंख बंद कर लेता है? क्या मैं किसी तरह घूमते तू बाजार में कुत्ते समय किसी तरह घूमता तू? हालेलुया। दोहराई जिंदगी मत पीजिएगा। इधर आएगा तो विश्वास है, भागे जाएगा तो अंधविश्वास है। क्या फायदा है भाई? तू समझ ले,
साधा एक पहला मनोरंजन के लिए तो अपना आनंद काल की महिमा को बेच डाल रहा है, तो बेच डाल रहा है, लेकिन तू रहेगा शांति मिलेगा नहीं मिलेगा। इब्रानी का पत्रिका उसके चेक का सांस लेकर चेक पढ़ते समय एक बार उसी महिमा को जान लिया, उसी वजन को जान लिया और समझ लिया तो भी तू जान पूछ कर पाप करेगा। तुम्हारा मन फिराव के लिए तुम्हारा नया बनाना मानना है क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति को पाया है, जिन्होंने एक बार ज्योति को पाया स्वर्ग के वरदान का स्वाद चख चुका आराधना में स्वर्ग के स्वाद को चखा नहीं चखा कितना चखा साली बजा कर हले ले कर हले लिया स्वर्ग के स्वाद को चख चुका और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं। पवित्र आत्मा का भागी हो गया और परमेश्वर का उत्तम वचन का हर रात आकर यहाँ सुनता है उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके आने वाला युग का सामर्थ का चख चुका यदि वे भटक जाए जान कर भी भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए उनका तुम्हारा मन फिराव के लिए नया बनाना हान होना है द्वारा क्या कर लोग सोचता है ना मेरा प्रभु तो दयालु है सात गुना सत्तर बार क्षमा करेगा हम करते रहेंगे क्षमा मांगते रहेंगे वो प्यारा है लेकिन बुड़बक नहीं है मेरा यीशु बुड़बक नहीं है प्रथम युग का नहीं छोड़ा प्रथम युग का लोगों को नहीं छोड़ा वरन महाजन पदे को बेच कर लोग के साथ आठ जन को बचा कर बाकी सबको नष्ट कर दिया सब हमारा को ऐसा विनाश की दंड दिया सबको जला कर राख में मिला दिया कि आने वाला भक्ति ने लोगों को एक दृष्टांत बन जाए। हाँ, ये दुबारा नया बनाना हनोना है क्योंकि हाँ, वे परमेश्वर के पुत्र को प्रभु यीशु मसीह को अपने लिए क्रूस पर चढ़ाते हैं दुबारा क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में हाँ, उस पर कलंक लगाते हैं। ध्यान दीजिए प्रिय भाई प्रिय बहन तू जानकर पाप करने से बेहतर तू यीशु का ना जाने अच्छा कितना मेरा बात समझ मार तू नहीं गया तू यीशु को नहीं जाना तू नरक में गया तुमने ज्यादा दंड नहीं मिलेगा जानकर तुम पाप करके नरक में जाएगा सौ गुना ज्यादा दंड मिलेगा कितना मेरा बोली समझ मार प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। इसका मतलब जो मन में सोच रहा है इसका मतलब अर्थ यही है ताकि हम आकर प्रचार ना सुने प्रचार नहीं सुनने से भी तुम नरक ही जाएगा यीशु को नहीं मन पिरा नहीं है यीशु को ग्रहण नहीं किया तुम तो कहा जाएगा लेकिन प्रचार सुना है तो आपके एक अवसर मिल जाता है स्वर्ग जाने का तो सुधरने का अपने जीवन को सुधरने का अपने जिंदगी को सुधरने का अपने परिवार को सुधरने का चलाकी को समझ ले शैतान की चलाकी को समझ ले वही शैतान ने एसाव को उसका दाल भात मसूर दाल को हिला दिया जो अल्लाह के सामने मना किया वह फल को हिला दिया। हालेलुया हालेलुया आपके सामने भी हिलाता है ऐश्वर्या राय को हिलाता है ऋतिक रोशन को हिलाता है हेमा मालिनी धर्मेंद्र को हिलाता है हिलाता नहीं हिलाता हमेशा बोला मैं प्रभु की संतान किसी भी कीमत पर मेरा महिमा को मैं बेच नहीं डालेंगे उसी बच्चा के सीधा बने हालेलुया किसी भी कीमत पर प्रभु मुझे दिया उसी महिमा को मैं बेच नहीं डालेंगे आमीन कितना लोग बोलना चाहते हालेलुया हालेलुया कुछ भी हो जाए रविवार हम चर्च में आकर मरेंगे आप इतना बीमार हो गया चर्च में मरेंगे तो कहां जाएगा सर में जाएगा नहीं जाएगा जाएगा तो घर में रहकर मरेंगे ना का मत दीजिए जाएंगे प्रभु का वचन को मानेंगे प्रभु का वचन को मानेंगे तुम्हारा आनंद का जीवन को छीन लेगा
कुछ लोग बोलते हैं चर्च दूर हो गया है, जब शुरू शुरू में नया नया था चर्च दूर नहीं था। अरे चर्च दूर नहीं हुआ, चर्च वहां तो वहां ही है, तुम प्रभु से दूर हो गए। चर्च दूर हो गया, चर्च भाग गया क्या कहीं दूर में? चर्च वहां के वहां पड़ा, लेकिन तुम्हारा जिंदगी क्या मसीह का प्यार से दूर हो गया? तुम्हारा जिंदगी तुम्हारा आत्मिक अनुभव ठंडा हो गया, प्रार्थना ठंडा हो गया, आराधना ठंडा हो गया, बाइबल पढ़ना ठंडा हो गया, प्रभु के दौड़ दौड़ करना ठंडा हो गया, मिनिस्ट्री करना ठंडा हो गया, ना खाता जी मिट्टी, ना बाइबल स्टडी, ना पास्टिंग प्रेयर, तुम ठंडा हो गया। शैतान छत्ता उसी समय जरूर आपको कोई ना कोई काम लगा देगा। लगा था नहीं लगा था। हालेलुया, लगना है। हमेशा शैतान को बोलना है नो। वहां पर ये साव यदि बोल दिया भाई तुम्हारा ढाल दो या ना दो, लेकिन मेरा पैरों टाका में नहीं बैठेंगे, आज ये साव का सरदार कहां होना था? बाइबल का स्त्री बदल जाना था, बदल जाना है नहीं जाना है? बोले बदलना नहीं बदलना? उसी वक्त वो बोल दिया नहीं, अब भूखा मर जाएंगे, भूखा मर जाएंगे। क्या भूखा मर जाएगा? आज दुनिया का स्त्री डॉक्टर भी हमारा बीच में, बहुत टीचर नर्स लोग हमारा बीच में, पूछ लीजिए कोई उपवास करके नहीं मरा, ज्यादा खाके लोग मरता। डॉक्टर साहब बोलिए, ज्यादा खाके मरता, सारी शुगर प्रेशर वो जो बीमारी, ज्यादा खाके बीमारी आता मरता है, लेकिन कोई उपवास करके आज तक कोई नहीं मरा। मेरा परमेश्वर के नाम पर महिमा करे। हालेलुया, हालेलुया। फिर गलत आज प्रिय भाई बहन, आज यशाव बनना या जाकू बनना आपके हाथ में। हालेलुया, कुछ लोग का सामने शैतान है, पैसा को हिला देता। पैसा क्या किसको हिला देता है? पैसा को हिला देता है, मणि। अरे दशांश मत दे दो। कुछ लोग खान में शैतान बोलता कि नहीं? प्रेतवाद कौन बोलता है? शैतान। पत्रोस बोल रहा है अननिया सपीरा से, प्रभु का पास प्रभु का पैसा वंचित करने के लिए शैतान तुम्हारा मन को कैसा अटैक कर दिया? लिखा शैतान कर दिया, शैतान ने कर दिया। क्यों? पूरा पैसा दशांश मत दो, थोड़ा कमाता 40,000 दशांश देता है 500। उनका कौन रुकवा रहा है? कौन रुकवा रहा है? शैतान। भाई ये दशांश को चोरी करके तुम्हारा आत्मा कहां जाएगा? तो चोरी करके घर बनाओ, गाड़ी घोड़ा जमीन ले लो, बैंक बैलेंस करो, क्या लेकर जाएगा तुम? बेचारा तुम्हारा डेड बॉडी पड़ा रहेगा, तुम्हारा बेटा बेटी बेटी बहू दामाद उधर लड़ाई करेगा, बैंक बैलेंस मेरा है, वो घर मेरा है, गाड़ी मेरा है, जमीन मेरा है। होता नहीं होता? खुदर मरने को शैतान की बोला इनका आत्मा मेरा है, क्योंकि दशम से चोरी किया इसके ऊपर मेरा है। हालेलुया, सच में हुआ। मेरा जो पुराना था क्या है, गोमाल पारा ने हमारा चर्च चंद्र घर था, घर के पीछे रात को एक आदमी मर गया, सारी उनका बेटा बेटी बहू दामाद पोता पोती सब इकट्ठा हो गया। बेचारा वो बुढ़ा कई खोना में फेंक कर रखा हुआ, ये लोग पूरा लट रहा है, नहीं वो जमीन हम लेंगे, नहीं वो घर हम लेंगे, पूरा झगड़ा चिल्ला चिली, चारों तरफ के लोग पूरा रात को जगह उठा कर उन लोगों पूरा बड़े मार मारो चुप रहने के बोले। बोला इनका चिल्ला चिली से कोई सो नहीं पाए, रात भर में चिल्ला चिली। बेचारा मरा हुआ बुढ़ा को कहीं रूम में चटाई में बिठाकर उसके ऊपर क्या करते दो तीन बंद करके रख दिया। बेचारा वो पूरा कमा कर रखा किया, कितना प्रॉपर्टी, कितना खाया पिया भी नहीं, जब वो बीमारी था कोई बेटा बेटी आकर देखा देखी भी नहीं किया। उसका प्रॉपर्टी किसका है? हालेलुया, लोग प्रभु यीशु मसीह ऐसे बोला, एक धनवान मनुष्य था वो क्या कर दिया है? अरे मेरा इतना प्रॉपर्टी में क्या करूं, उसका वो दुख है, क्या चिंता है? ये प्रॉपर्टी को पूरा है धन दौलत को कहां रखेंगे? यही चिंता।
पिता था वो क्या कर दिया, अपना गुनाह बड़ा करके तोड़ के बड़ा बना दिया, सब कुछ इकट्ठा किया। सोते समय मन में बोला ये आत्मा तू काफी बहुत साल पहले तुम्हारा इकट्ठा करके रखा है, मालूम है उस आत्मा का नाम क्या है, प्रभु उसका अच्छा नाम रखा है मूर्ख, आज रात तुम्हारा आत्मा को मैं वापस ले लेंगे, तू इकट्ठा करके रखा किसका है।